इसमें जो है दोनों कॉम्बिनेशन में हुआ है तेरी ऐसा था क्या? ऐसा है। क्यों पुश करते हैं कि सिरेमिक कोटिंग भी करानी चाहिए पीपीएफ के साथ में? एंड जो आप लोगों को बता देता हूँ कि सिरेमिक कोटिंग कहाँ कहाँ हुई है एंड पीपीएफ। बस ट्रिप चाहिए अब। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज वेनेसडे। तो बेसिकली हम लोगों का जो काम है ऑफिस का निपटा के हम लोग पहुंच चुके हैं एक अपनी फेवरेट लोकेशन पे पीपीएफ, और हम लोगों ने पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग करवाई है एक नई बाइक पे जो कि है दिवाकर भाई की। और दिवाकर भाई ने फाइनली बाइक खरीद ली है इनलाइन 4 एंड बहुत मजा आ रहा है। मतलब हम लोगों को ना ऐसे ग्रुप में कोई भी बाइक अपग्रेड करता है या फिर कोई नई बाइक लेता है ना तो मजा आ रहा है। सही बात है, और कोई भी कुछ भी ले अच्छा लगता है ग्रुप में, अच्छा लगता है। सही बात है, मतलब वो एक खुशी बांटने से बढ़ती है ना, वो वाली बात होती है। तो हम लोग जब भी कोई बाइक लेता है हर पॉसिबल रहता है तो हमेशा पहुंच ही जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो बाइक अपनी आई है उस पर पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग करवाने के लिए हम लोग ऑटो ट्रेज आए थे। एंड आप लोग पीछे तो देख के पता ही लग गया होगा कहाँ पे हम लोग। तो ये वाली जो जगह है ये ऑटो ट्रेज है हैनूर में, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैंने अपना BMW F850 GS में काम कराया था। तो यहाँ पे अभी दो ब्यूटीज और खड़ी हुई हैं। तो एक तो ये वाली डुकाटी मॉन्स्टर खड़ी हुई है, ये वेस्ट बंगाल का नंबर है, बड़ी कलर बड़ा मस्त है, नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे ना ये चीज पता नहीं एक्स्ट्रा एड ऑन कराई है कि इसमें कार्बन फाइबर फिनिश आता ही है, है ना, एड ऑन है। हाँ अच्छा, ये देख के लग रहा है कुछ कुछ चीजें तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराया हुआ है एंड बहुत अच्छी लग रही है यार। एंड प्लस ये वाली अपना जब मैंने बाइक बुक कराई थी तो जो 850 GS है तब उस टाइम पे ट्रॉफी एडिशन नहीं आया था। तो अभी ये वाली जो बाइक है F850 GS है, इज नॉट GS एडवेंचर। तो इस वाले में जो टैंक साइज है थोड़ा कम रहता है, इसमें भी अभी पीपीएफ का काम चल रहा है गेसो। तो ऐसे पूरा पार्ट्स खोल के आराम से काम किया जाता है, पूरा अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है जिससे कि। एंड ये वाला कलर अच्छा है एंड ये सेम कलर आई गेस 1250 में भी आया है, तो वो भी कलर काफ़ी यूनिक सा लग रहा है। चलो आ जाओ फिर, सुपर एक्साइटेड। येलो कलर का घूंघट पहना दी, वैसे पहले ब्लैक वाला था, येलो में ज्यादा अच्छा लगता है ना, ऑटो ट्रेस का वो हो जाता है पूरा। हाँ येलो है ये, यही वाला बोर्ड में लिखा हुआ येलो कलर में। अच्छा इसमें इसमें भी एस्टेक कौन सा हुआ, डायनो? अच्छा हाँ अच्छा एस्टेक शील्ड, ओके हाँ ये वाला है विद 5 ईयर्स वारंटी। तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल मेरे को तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसा है, मैं तो गिरा भी दी थी बहुत जल्दी हुआ, मतलब जिस दिन करवाया उसके अगले दिन मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। G900 अपना फाइनली काम होके मिल गया है एंड इसमें बेसिकली जो पीपीएफ है और सिरेमिक कोटिंग ये दोनों का काम हुआ है। तो अंशुमन भाई से पूछेंगे, अंशुमन भाई पीपीएफ एक्सपर्ट, आ जाओ थोड़ा सा डिटेल में बता दो हमें। तो इसमें मतलब जैसे अपना 850 में कराया था वो मैंने सिर्फ पीपीएफ कराया था, तो उस बाकी जो पार्ट था वो मेरा ग्रेनी वाला पार्ट था, उसमें सिरेमिक वैसे मैंने करवाना है वो चीज़ मैंने करवाई नहीं है। बट इसमें जो है दोनों कॉम्बिनेशन में हुआ है, तो अब क्या रीज़न रहता है वो भी चीज़ एक बार बता देना ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्यों पुश करते हैं कि सिरेमिक कोटिंग भी करानी चाहिए पीपीएफ के साथ में। तो ये देखिए दिन भाई, ये कंडीशन था उत्तरी ऐसा था क्या? और ये ऐसा है। ओ सो इसमें ह्यूज डिफरेंस, वी कंप्लीटली रीस्टोर इट। रीस्टोरेशन पॉसिबल ही है, पहले हम उसको ऑब्वियसली क्लीन करें और फिर लॉक करें। नाउ यू सी दिस, इट्स नॉट जस्ट समथिंग, यू कैन सी अ डीप वाटर मार्क्स लाइक दिस, वेरी स्टबर्न वाटर मार्क्स, एंड यू सी द कंप्लीट रिचनेस चला गया है, उसका लस्टर और उसका टेक्सचर जा ही चुका है। इसको पहले रिस्टोर किया, करेक्ट, फिर इस पे मेटल सेरेमिक कोटिंग किया है। अच्छा ऑटो ट्रेस का मेटल सेरेमिक, अच्छा मेटल सेरेमिक कोटिंग अलग था, प्लास्टिक सेरेमिक कोटिंग अलग था। अभी अगर ये प्लास्टिक कंपोनेंट है इसमें पूरा अलग चीज हुआ है, इस पे अलग हुआ है, इसपे मतलब आई एम श्योर सॉरी, इसपे मेटल एलॉय सेरेमिक कोटिंग हुआ है मेटल वाला, इसपे लेदर सेरेमिक कोटिंग हुआ है, मैंने ऐसे। अच्छा सीट में भी हुआ है? अरे बाप रे, कितने साल पुरानी गाड़ी है उसका आप देखो, पुरानी ज्यादा नहीं है, सीन ये था कि ये खड़ी काफी टाइम हुई थी, चली पड़ी हुई थी।
और चली कितना आई गेस 2000 चली है, 2000 चली हुई बताओ. और वाटर मार्क्स तो आई गेस वो उसी लिए आते हैं कि गर्म बाइक रहती है उसमें पानी से वॉश कर देते. आप ये देखो इसकी ये कंडीशन थी और ये कोई ऐसा नहीं है कि वॉश नहीं हुई है. दीज आर स्टबर्न मार्क्स. और ये देखो आप और अभी ये देखो. बहुत डिफरेंस है. अभी क्या ये आएगी कि अभी आएगी नहीं कोटिंग की तरह? नहीं, अगर हम वॉश करके पानी निकालते रहेंगे अभी ये पानी पर जब आप डालोगे ना ये वाटर को रिपेल करेगा, मतलब आपको एक रिजल्ट दे रहा है. टेक्सचर लॉक होने के बाद ये आपको वॉश और मेंटेन करने में हेल्प करेगा. बट अगर पानी डाला और जितना भी पानी 20% रह गया अगर आपने वो नहीं निकाला तब इशू. सेम केस है, ये पूरा रिस्टोरेशन है, ये हम नहीं कर सकते. ये देखो रॉट आयरन का होता है, आउट ऑफ क्वेश्चन है. ओके, ये तो एग्जॉस्ट चेंज हो जाएगा. नहीं नहीं हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सो अपने अलॉय व्हील्स को पूरा रिस्टोरेशन हो गया और कोटिंग हो गया, व्हिच इज ऑब्वियसली अलॉय. नाउ हियर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने बताई थी दिवाकर जी को कि हम इसको देखेंगे कि सिंगल शीट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ सिंगल शीट एप्लीकेशन व्हिच इज गोइंग एवरीवेयर. नॉर्मली ऐसे ट्रिकी केसेस में हमको एक कट मारना पड़ता है. हां करेक्ट, बोला था इनको, बोला था देखो अगर कर सकते हैं नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमने वो एफर्ट लेके सिंगल शीट विदाउट एनी कट है. Which itself is a great achievement from our side and a delight for our Karapan. सही बात है. और ये चीज possible Aztec में ही है. हमको ये flexibility मिलती है Aztec से, तो now we have stopped using any other tool. हाँ. या तो Aztec 5 years shieldless है, या Aztec 10 years timer shield. बस वही दो option अच्छे हैं. और पीछे भी आप देखो ये जो है हमने पूरा H2H finish किया, यहाँ से PPF लेके पूरा finish हुआ है. और ऑब्वियसली फोल्ड, ये एक कट इस साइड का, एक कट उस साइड का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पीस था और हाँ. निकालना था, तो सिंगल शीट नहीं हो सकता था. जब खींचते हैं तो हमारे हाँ, तो वो फिर चैलेंज आ जाता है. करेक्ट, क्योंकि बीच में सही है. और इस सीट में क्या सही, मतलब शाइन सी आ गई ना. उस दिन जिस दिन हम लोग देखने गए थे इस बाइक को फर्स्ट टाइम में, मतलब वो सीट और अभी की सीट ना, ये मतलब ऐसे लग रहे बिल्कुल शोरूम से अभी निकल गया. ये कुछ भी नहीं है, सही बात है. सो ये फिनिश ही ऐसा है बिकॉज इसमें लेदर सेरेमिक कोटिंग हुआ है. सही बात है. सो ये जो आपकी कर रहा था वो पूरा पीपीएफ था, जो दिवाकर जी की गाड़ी में 1, 2, 3 and 4 दैट्स जो हां यहां पे मतलब हेडलाइट में अपना रिमेनिंग पेंट पे सेरेमिक कोटिंग. तो फिर दोबारा सीन खराब हो जाएगा यहाँ पे. तो यही था चैलेंज. नहीं मतलब ये वाला जो काम अलग लेवल का हुआ है कुछ यहाँ पे, मतलब डिफरेंस एक तो बिल्कुल ही मतलब अलग लेवल पे दिख रहा है. पहले जैसा बाइक का इंजन का साइड में वाटर मार्क्स थे ना, और अभी देखे मतलब ह्यूज डिफरेंस. पीपीएफ ऐसे बहुत लोग करते हैं, मतलब उनको दे दोगे कर देंगे, बट वो जो फिनिशिंग वाला है ना वो चीज नहीं आ पाता. मुझे बोला कि इसमें आप स्प्लिट करोगे, मैं आके देख रहा हूँ स्प्लिट किया नहीं किया कहा. आपने तो मुझे बोल दिया आई सेड ओके, आप अगर चाहते तो स्प्लिट कर सकते थे, बट यू टुक द टफ जॉब टू डू इट शिद्दत से काम करना, वो वाला मतलब फीलिंग यहीं पे आता है, तभी तो हम लोग यहाँ बने रहते. अच्छा ये इसमें पहले से लगा होता? नहीं मैं अभी लगाया. ओके ओके, अभी लगाए हो? अच्छा मतलब उस हाँ ओके, ये अच्छा है एक्चुअली, ये काफी सही लगता है मेरे को. और बाकी एक चीज और सजेस्ट करूंगा, मतलब ये जो वाइजर है प्यूक का, अच्छा वाइजर आता है, वो यहाँ तक पूरा कवर कर लेगा, विंड लास्ट पूरा बच जाता है. बट पड़ेगा जरूरत, क्योंकि नेकेड बाइक रहती है ना, तो विंड ब्लास्ट ज्यादा रहता है. मैं Z800 में यूज कर रहा था, तो उसमें बंदे ने क्या किया था, वो एक स्टॉक वाला हटा के, स्टॉक वाला Z800 का बहुत छोटा है, तो उसने दूसरा लगवाया था एंड उसकी वजह से काफी विंड ब्लास्ट बच जाता था. अच्छा ये राव सीट्स में कराया ना? अरे सही में ये Z900 का जो सीट रहता है ना पीछे वाला, भाई साहब मतलब बैठने में ऐसा रहता है कि बैठ नहीं सकते वो. हाँ अच्छा, वो काउल का क्या हुआ? काउल भी अपना तो इधर काउल लग गया था, काउल से बहुत अच्छा लगता है वैसे. एंड काउल में आई गेस वो ग्रीन कलर का ये सेम कलर हो जाता है, उसको भी लाके अगर यहाँ पे शिप हो जाता है उसको PPF करा के यूज कर सकते हैं. बाकी ये मिरर चेंज कराने की जरूरत नहीं है.
अच्छा हाँ, इसमें छोटे वाला लगा हुआ था, अभी आपने चेंज करा दिया, ये सही रहता है, मेरे को स्टॉक वाली चीजें बेटर लगती हैं। एंड जो आप लोगों को बता देता हूँ कि सिरेमिक कोटिंग कहाँ कहाँ हुई है एंड पीपीएफ कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये वाला जो आप लोगों को ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा हुआ, इसमें पीपीएफ लगा है विच इज एस्टेक। तो एस्टेक आप लोगों को पता है ब्रांड, जो कि वहाँ पे देख, ये वाला जो पीपीएफ दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एस्टेक है एंड विच इज विद द 5 ईयर्स वारंटी। तो इसमें आप लोगों को अच्छा खासा माइक्रोन्स जो लेयर रहती है वो मिलता है आप लोगों को, हैंड स्क्रैच प्रोटेक्ट कर देता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी F850 मैंने गिराई भी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है स्क्रैच बच गया एंड हल्का सा बिल्कुल विजिबल भी नहीं है वो सही से, वो चीज़ है बेसिकली। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन करती हैं बाइक की। अब डिपेंड करता है आप लोग कौन सा पीपीएफ करवाते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग पास से दिखाऊंगा ना, तो ये देखो एक शाइन आती है, तो मतलब आप लोग बिल्कुल जो है स्मूथ फिनिश रहता है। हाँ, इसका जो 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 लेयर रहेगा ना, उसका फिनिशिंग इतना अच्छा रहता है कि आप पानी का ड्रॉप भी डालोगे ना, तो वो बूंद बूंद सा है ना, जो पर्ल की तरह बन जाता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी मतलब और रहती है। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों का ये पीपीएफ का कट पार्ट भी दिखाएंगे ना, तो अगर उसको स्ट्रेच करते हो तो वो जो है वो जो दोबारा अपना साइज है वो रिटेन कर लेता है। पर्सनली मतलब अगर जो मेरा सजेशन रहता है वो एस्टेक ही रहता है। बाकी अगर सिरेमिक कोटिंग की बात की जाए तो सिरेमिक कोटिंग दिवाकर भाई कहाँ कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे तो हाँ वो एक पीस में हो नहीं पाता, ये सारा जो आगे वाला पार्ट है इसमें सिरेमिक कोटिंग हुआ है, और आपका जो ये हेडलाइट है इसमें पीपीएफ करवाया है, तो वो चीज़ अच्छी रहती है क्योंकि आगे से कुछ भी लगता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स भी लगता है ना, उसकी वजह से भी स्क्रैच लग जाता है कभी आप पोंछ दोगे। अब आप लोगों को रीज़न बताता हूँ क्यों सिरेमिक कोटिंग कराना चाहिए, क्योंकि जब आप पीपीएफ करा रहे हो ये वाले पार्ट्स में ना बाकी सारे में, तो ये वाला पार्ट जो है जो टैंक हो गया और आप लोगों को बाकी पार्ट हो गया जहाँ पे पीपीएफ किया हुआ है, वो वाला तो आप लोगों को अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा एंड उसका जो कलर है वो भी फेड नहीं होएगा, बट जो ग्रेनी पार्ट रहता है ये सब धूप में खड़े खड़े उसका कलर फेड हो जाता है, वो ड्रॉबैक रहता है अगर आप लोग सिरेमिक कोटिंग नहीं कराते। तो इसलिए अगर करा रहे हो पीपीएफ कुछ पार्ट्स में, तो उसके साथ में जितने भी पार्ट्स हैं प्लास्टिक वाले और ये सारे ग्रेनी फिनिश वाले, इन सब पे सिरेमिक कोटिंग कराना चाहिए। एंड प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग इसकी कितनी बड़ी थी दिवाकर भाई? 16,000 बड़ी। तो ये देखो इसका पूरा जो सिरेमिक कोटिंग का काम है एंड प्लस पीपीएफ का काम, दोनों का प्राइस मिला के 16,000 रुपीज़ पड़ा है एंड काफ़ी फिनिशिंग वाला काम है। तो इस वाली बाइक में है ना, अभी इसमें ना सिरेमिक कोटिंग है ना पीपीएफ है, तो ये टच करते ही पता लगता है कि इसमें जो एक्चुअल कोटिंग है, जो अपना एक्चुअल पेंट रहता है बाइक का, वो है। और जब आप पीपीएफ करा लेते हो ना, उसके बाद में जो शाइन आती है, ग्लॉस आती है, वो बिल्कुल अलग लेवल की आती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, ये है कस्टम बिल्ट फॉर दीपक कुंबले, वाह अलग से बनाई गई है, बहुत सही लग रही है। ये 350 में ये कस्टम बिल्ड भी आता है? अच्छा अभी रिसेंटली शुरू हुआ। दिस बैजिंग इटसेल्फ कॉस्ट यू 5000 प्लस। ओ भाई साहब, ये तो अलग ही चीज है। नाउ देयर सो मेनी वैरायटीज कि इसमें ग्रीन लगा दो ये। अरे बट 5000 में कहीं 5000 में एक दो जगह और लिखना चाहिए था ना। नहीं आई गेस क्रोम वाला है। तो ये पता नहीं, अब वो लेजर कट ही है वैसे तो। सीट अच्छी है, मतलब इसकी सीट अलग सी लगी मेरे को। हाँ नहीं ये तो अच्छा, अच्छा रॉयल एनफील्ड की है, अच्छा है बट नाइस, अच्छी चीज़ है, अलग अलग चीज़ें। रॉयल एनफील्ड भी अपना काफी सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है आजकल। फाइनली आज बहुत खुशी की बात है, बाइक अपना काम होके मिल गया है एंड बाकी यहाँ से जाएंगे, अभी देखेंगे राइड वाइड का प्लान बनाएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि बाइक जब मिल जाए ना तो ऐसे नहीं खड़ी करके देखनी चाहिए। सही बात है, कोई हो जाता है। 3 दिन ये यहाँ पे था और बॉर्डर में जैसे जेकी श्रॉफ था ना, कब मिलेगी बाइक, कब मिलेगी, क्योंकि ये दिन होगा और मैं फ्लाइट लेके जाऊंगा, मिल जाए कब मिलेगा अंशुमन भाई से बाइक, मैं चलाऊँ इसको कैसे। चलो एनीवेज, तो फाइनली आप लोगों को पता लग गया क्या क्या रीजन थे सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कराने के। अगर ब्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राइड पे राइड प्लान हो रही है, धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा। इंस्टाग्राम पे डिस्क्लोज करूंगा, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते नहीं हो तो कर सकते हो रनिंग वाली ब्लॉग्स, एंड बाकी आप लोगों को बताते रहेंगे जैसा भी अपडेट रहेगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।